आज प्रधानमंत्री मोदी जी का है और इसी उपलक्ष में तिरंगा यात्रा गत वर्ष से शुरू की और वो तिरंगा यात्रा उत्साह से प्रत्येक गांव गली गलियारे में और जिला मुख्यालय पर हो, इसी भावना से आज हमने ये तिरंगा यात्रा निकाली और उन अमर शहीदों को स्मरण किया और साथ ही प्रेरित किया पब्लिक को, जनता को, कि हमारे शहीदों को ना भूलें। चाहे आज का दिन और एक ही बात नहीं, हमारा अपनी माटी अपना सम्मान ये भाव भी सबके दिल में हो और हमारे यहाँ से दौसा से हमारी माटी और माटी के साथ सम्मान, सम्मान के साथ एक पौधा हमारे प्रांत में जाए और प्रांत का एक पौधा और ये संपूर्ण प्रदेश की माटी ये दिल्ली जाए और वहाँ एक अमृत काल का अमृत वन बने और आगे हम 16 तारीख से अमृत काल में प्रवेश करेंगे। 2047 में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र का ये सपना है कि हमारा देश जगत गुरु बने, संसार में सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त हमारा देश बने और इसी भावना से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कल्पना की कि तिरंगे के प्रति सम्मान और तिरंगे के प्रति स्मृति और साथ ही साथ हमारे शहीदों के प्रति सम्मान और उनके प्रति स्मृति जन जन के मन में उत्पन्न होती रहे। कांग्रेस चुनावी साले कांग्रेस मोबाइल बांटने में लगी हुई है, वो तो कब से क्या बांट रही है, जब से 4 साल हुए तब से कांग्रेस ने बांटना बांटना धोखा झूठ फरेब और माता और बहनों की बेटियों की रक्षा वो नहीं कर सकी। आए दिन एक दिन में 17 केस हो रहे हैं, उसके बावजूद भी ये नहीं समझ पा रहे कि हमारे इस बंदर बांट में, ये रेवड़ी बांट में जनता भ्रमित नहीं होगी। जनता ने ठान लिया है कि जो देश का सम्मान करे, नागरिकों का विकास करे, अंतिम पायदान पर खड़े गरीब आदमी की सुरक्षा करे, संपन्नता दे, तो आज भारत ने ये विचार लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान की संपूर्ण कांग्रेस पार्टी ये भ्रम में है क्योंकि जनता उनके कारनामों को देख रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।